चिल्ला क्यों रही है? मैं जा रही हूँ। कैब कर रही हो? हुआ क्या, हुआ क्या मुझे बता, क्यों? मैं बताओ तो सही, हुआ क्या? बाइक राइड नहीं है ये, जानलेवा राइड है, पता है? फाइनली वन के कंप्लीट है यहाँ पे। बताओ कैसा फील हो रहा है, कितने सब्सक्राइबर्स हुए? आपकी आंटी आपको ही ज्यादा मिस कर रही थी, आपको ही ज्यादा याद कर रही थी, बोलते सब मेहरबानी पहले ऊपर वाले की फिर उनकी है। यार तुम तो बड़े सुंदर हो यार, जो मर्जी बोलो मैं नहीं जाती। Assalamualaikum guys and welcome back to the channel. कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। आज के इस व्लॉग की शुरुआत अपने घर से करते हैं। जैसे कि कल वाले व्लॉग में देखा हम शब पे गए थे और कितना मेरे को सुकून मिला भाई, बहुत सारी दुआएं मैंने आप सब लोगों के लिए भी की और अपने लिए भी की। ओके आज का व्लॉग जो है ना थोड़ा स्पेशल रहने वाला है, कॉज आज मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ जो कि भाई चंडीगढ़ गई हुई है। हमारी स्कूल टाइम की फ्रेंडशिप थी तो बहुत टाइम से मेरे को बुला रही थी कि भाई तू आ मेरे साथ मिल, कॉज आपको पता है ना कि यार श्वेता के साथ मेरी सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला मैं नहीं चाहता उसके साथ व्लॉग वगैरह करने के लिए, मैं उसके साथ आज मिलने जा रहा हूँ, व्लॉग बनाऊंगा उसके साथ, बहुत सारी बातें करेंगे, थोड़ा ना मेंटल पीस थोड़ा मिले भाई अभी। लेकिन सुबह सुबह एक बहुत गंदा सीन हो गया मेरे साथ, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं अभी जब घर पहुँचा मतलब मेरे को उसी दिन लग रहा था इसका टायर बैठा हुआ है। अभी मेरे साथ यहाँ पे दानिश भाई भी हैं, तो दानिश भाई टायर पंचर हो गया, अब क्या करें यार, अब लेना पड़ेगा ऐसी घसीटे घसीटे। हाँ। उससे वो जो कल विलियां बजी है ना इस पे, हाँ। ये उसकी वजह से तो लिए कुछ सरप्राइज रखा है, आपको तो पता है मेरे वन के कंप्लीट हुए हैं, हो भी गए आपके लिए कुछ, मैंने हो गए वन के हो गए, और जो आपके साथ मैंने वीडियो बनाई हुई थी हाँ। वो भी 5K चली गई है, 5K से ऊपर। क्या बात है, ये है वुल्फ आर्मी की स्पोर्ट। तो भाई सरप्राइज क्या, वैसे सरप्राइज वो नहीं बताऊंगा मैं, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। खुश हो? बहुत। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई मैं अपनी बाइक को कैसे लेके जाऊंगा, रिम खराब अगर हो गया 40,000 रुपीज़ का रिम ही है यार, टायर पंचर वाली शॉप बहुत दूर है। मैं तुम्हें टायर दिखाऊं बैक साइड तो कुछ इस तरह की कंडीशन हो रखी है, देखो भाई पूरा दब रहा है भाई, ठीक है ये वही रीज़न हो गया, इस पर जो बर्नआउट वगैरह मारे थे ना तो उसकी वजह से टायर पूरा क्लीन हो गया, एकदम से न्यू टायर था स्टॉक वाला, पूरी बाइक वॉबल कर रही है यार। ओ भाई पूरी बाइक हिल रही है यार, मैं तो नहीं दूंगा अपनी बाइक किसी को, अब मैंने बस ये प्रॉमिस कर दिया वुल्फ फैमिली के साथ आज, वुल्फ आर्मी कि भाई अब बाइक नहीं देंगे हम ऐसे किसी को। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं पंचर वाले भैया के पास, जैसे तुम देख पा रहे हो कहाँ पे, अच्छा हाँ इतनी बड़ी है ये तो, ये है ना। लेकिन इसको किल को पूछ के क्या मिला तेरे को मेरी बाइक खराब करके। तो गाइज वी आर रेडी टू गो, जैसे कि आपने देखा कि पंचर वगैरह लग गया अच्छे से। अभी मैं और दानिश भाई जा रहे हैं लड़की के साथ मिलने के लिए, तैयार हो आप लड़की के साथ मिलने के लिए? पता है जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं जब बहुत टाइम के बाद आप उनके साथ मिलने जाते हो तो अजीब ना थोड़ा शर्म से आती है ना, मतलब वो होता ना कि बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। मेरे को इसका घर भी भूल गया, वो अभी लोकेशन सेट करी हुई है, हमने यहाँ से जा रहे हैं भाई, आएगी ना फ्रेंड हमारी, तब तक हम कार वॉश पे चले, बाइक धोते हैं, चढ़ा दो ऊपर। भाई कहाँ चढ़ा दी बाइक, देख रहे हो, जब तक हमारी फ्रेंड आ जाएगी तो तब तक बाइक भी वॉश हो जाएगी। आई थिंक वही आ रही है वहाँ से, आ गई तो वैसे चेंज हो गई है काफ़ी ज़्यादा, चलो मिलते हैं इसके साथ, तब तक बाइक भी वॉश होगी। कैसे हो? मैं ठीक, तुम बताओ? बस बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बड़े टाइम बाद मिलो यार, मीट यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब हम स्कूल में साथ थे। हाँ? भाई उसके बाद तो तुम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। हाँ यार ये क्या हालत बनाई है तुमने अपनी, मतलब ये बियर्ड एंड ऑल ये क्या है? एक्चुअली यार मैं सोच रहा था आज मेरे को ना ये करना था क्लीन वगैरह, कल शबे बारात था तो मेरे को टाइम नहीं मिला, और वैसे भी जब इंसान बिजी हो जाता है अपनी लाइफ में तो इन सब चीजों के लिए टाइम हाँ यार वो तो है रहता नहीं है। और आप बताओ ठीक हो? ये हाँ, मास्क किस लिए, कोविड है क्या? नहीं यार मेरे को थोड़ा सा ऐसे कोल्ड है तो इसलिए मैंने लगाया हुआ है। तो JKPS पब्लिक स्कूल में हम साथ में पढ़ते थे, आ जाओ। अभी मेरी बाइक ना थोड़ी वॉश करने पे लगाई हुई है यहाँ से, तो बाइक वॉश वगैरह होती है तो फिर चलते हैं हम यहाँ से, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कितने दिन के लिए हो यहाँ पे? मैं हूँ यहाँ पे कोई 1 वीक। मैं सोच रहा था इनको भी लेके चले हम वहाँ पे, कहाँ पे जो मैंने सरप्राइज रखा हुआ है आप सबके लिए। मेरे लिए है क्या सरप्राइज? वो तो बोल, वो तो नहीं बता रहा मैं अभी आपको, क्योंकि मैं सुबह से वहाँ पे वेट कर रहा था, अब तो इधर भी आ गया मैं। चलोगे हम अभी? हाँ चलो चलो। सो फाइनली गाइस बाइक वॉश हो गई और सोनिका को हमने बहुत ज्यादा वेट करवा दिया, तो चले हेलमेट ये पहन लेना ठीक है। नहीं आपकी मर्जी, अगर चलान करवाना मेरा तो चले फिर। अच्छा मतलब किधर बैठूं, पहले दिन दोस्त के साथ, दोस्त को लाए दोस्त के साथ बैठना है। बैठ अभी मेरे फ्रेंड का ना 1K केक सेलिब्रेशन है, आप चलोगे आप वहाँ पे? अभी 1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ 5 बजे तक फ्री हो जाओगे। ये क्यों कॉल कर रही है आप मेरे को यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसका। हाँ हाँ जी हेलो, मैं इधर अपने फ्रेंड के 1K के सेलिब्रेशन पे आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए आ रही थी।
मुझे नहीं मिलना है ना, इट्स ओवर, मैं क्यों मिलूं? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तेरा कजिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हेलो ये मिलो, तो बोल रही है तो एक बार मिल लेना उससे। क्या मिलूं बोल? हेलो मिल ले, वो कुछ बात सॉर्ट आउट कर लो ना, मिल के ऐसे फोन पे थोड़ी होगा। कहाँ पे है? हेलो कहाँ कहाँ पे है? हेलो हेलो नहीं कर, मुझे सुनाई दे रहा, बहरा थोड़ी हूँ। देखो यार मेरे को ना व्लॉगिंग पे फोकस करना है यार, मतलब आप सोचो कि मेरे को डेली व्लॉग्स करनी होती, मेरी माइंड में इतनी सारी टेंशन होंगी तो मैं कैसे सारी चीज़ें कर पाऊंगा, है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? यार पता नहीं क्या बोल रही है यार, वेव के सामने आ जाओ, चलो चलते हैं वेव के पास। उसको तो शौक लगने वाला है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ आया हूँ, अब पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी। ओ यहाँ पे आ गई। हाँ कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। तो मैं क्या करूँ भाई, वेट कर रहे हो? हाँ हाय श्वेता, फ्रेंड है स्कूल की। हाँ हाँ मैं तुम्हारे ब्लॉग्स देखती हूँ यार, इसलिए तुम मेरे कॉल नहीं उठा रहे हो। ये फ्रेंड है यार। हाय तो मुझे बात करनी थी ना तुमसे। क्या बात करनी है? बात करनी थी जो भी मतलब कजन ने किया उसकी साइड से मैं सॉरी बोलती हूँ ना, मुझे हाँ। पता कि उसने गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। सो ठीक हो? तुमने बात क्लियर करने की नहीं करनी मुझे ये बता दो। मेरे को अपनी फ्रेंड के साथ जाना था, 1K इसका हो गया कंप्लीट, ठीक है? इसने बोला था केक कट करना है, तो मैंने इसको बोला तू चल मेरे साथ यार, देख रोज रोज का ड्रामा नहीं ना मेरे साथ होता यार। हाँ हाँ स्कूल टाइम है, बोलना यार इसको। हम स्कूल टाइम से फ्रेंड है श्वेता। आप मेरी प्राइवेसी यहाँ पे भी लीक कर रहे हो? आप किस लिए शूट कर रहे हो ये? आप मेरा शूट करो ना, वो व्लॉग बन रहा है, वो पर्सनल है। हाँ हाँ अपने भाई को लेके आना, जब मेरे पाँव पे बैठेगा वो तेरा भाई सॉरी बोलेगा फिर मैं उसको बोलूंगा ठीक है। ये क्या मतलब? हाँ तो मैं ऐसे ही हूँ, एटीट्यूड मेरे में भी है यार, यहाँ पे सबके सामने बात ना करो, जरूर लगाना कहीं और नहीं करनी है ना तुमने बात। क्या बात करनी बताओ इसके आगे? गाड़ी करके दो उधर से, चल गाड़ी में बैठाता हूँ, चल उस वाले में उसको बैटरी वाले ऑटो वाले को बोलता हूँ, चल चल थोड़ा तो मैं यही चाहता हूँ बस, चल यहाँ से चलते हैं। मैं अकेले जा सकती हूँ ना? कोई बात नहीं, ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है ना? मैं तो छोड़ के आता हूँ, चलो जाओ भैया, बड़ी ब्राह्मणा ड्रॉप करना, ठीक है? ओके इतना तेज थोड़ी चलाऊंगा मैं, लिमिट में चलाऊंगा। तो यार कुछ नहीं होगा, बैठी रहे, ओ कुछ नहीं है यार। ओ कुछ नहीं होगा यार, नहीं गिरेगी, ओ नहीं गिरेगी बाइक, पागल है ओ, नहीं होता कुछ। ओ डर क्यों रही है? तो नहीं होता कुछ, गाड़ी है क्या हो गया? ना क्यों रही है? मैं नहीं जा रही, कैब कर रही हो? ओ यार मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। ओ यार क्या हो गया, क्या हुआ, हुआ क्या, हुआ क्या मुझे बता, क्यों? मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ यार। मैं बताओ तो सही हुआ क्या? बाइक राइड नहीं है ये, जानलेवा राइड है पता है। क्यों? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, ये सुपर बाइक है ना, ये आस्था नहीं चलती है पता है। यार तुम तो बड़े सुंदर हो यार, नहीं, तुम जो मर्जी बोलो मैं नहीं जा रही। रुको ना यार, अच्छा मास्क तो खोलो, ये नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है प्रॉमिस, तुम्हारे साथ आहिस्ता चलूंगा, पक्की बात है, प्रॉमिस पक्की बात है। पता एक चीज दिखा, इधर आओ इधर आओ, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो उसके अंदर हाँ। क्या दिख रही है पाइप्स आपको हाँ। ये इनलाइन फोर बाइक है, ये 1000 cc का, ठीक है? तो ये तेज चलती है, आस्था चलती नहीं, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा आस्था चलाने की। इसको चला लो यार प्लीज। अच्छा हाँ चलाऊंगा पक्का, पक्का प्रॉमिस, पक्का डन डन। अच्छा तुम मास्क तो उतारो, मुझे देखने दो तुम, आगे जाके उतारो, नहीं अभी आगे जाके उतारूंगी ना, चल कुछ नहीं होता, आप हेलमेट पहनो ना, रेडी टू टेक फ्लाइट। नो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, मैं नहीं ना ना मैं बस अब आहिस्ता, अब आहिस्ता बैठो, पक्का डन प्रॉमिस, आपके साथ प्रॉमिस, बंद कर दूं? हाँ, ये लो ये लो। अब अच्छा कुछ रोमांटिक बातें भी होनी चाहिए साथ में फिर। हाँ? कुछ नहीं ऐसे ही बस। मेरे को खांसी आ गई, खांसी कहाँ से दवाई दोगे लेके? एक तो तुमने ये मास्क लगा के रखा हो, इसको निकालो ना, नहीं निकालोगे? अरे निकालो तो सही, फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मिलने आया हूँ, देखो ना फिर इतना दूर लाया आप, मेरी ये थोड़ी ना, मैं देखना चाहता हूँ स्कूल की फ्रेंड अभी कैसी लग रही है। हाँ उतार पक्का,
डर तो नहीं जाओगे देख के? मैं क्यों डरूंगा? मेरी शक्कर। अरे आप अच्छे लग रहे हो मुझे, मुझे लगता तो ऐसे। ओ वाह, तुम तो मास्क लगा के ज्यादा अच्छे लग रहे। पहले तुम चाइनीज लग रहे थे। अरे नहीं बेइज्जती नहीं कर रहा, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ। नहीं बेइज्जती नहीं है, मतलब सच में अच्छे लग रहे हो ऐसे। वेरी नाइस। ठीक है, पहुंच चुके हैं मीटिंग पॉइंट पे जहाँ पे भाई का केक कट होने वाला है। जी हमारे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ नीचे, चलो चले आ जाओ। तो इसका ये 1K का केक हम लेके आए हुए हैं। गाइस अभी हम केक कट करते हैं भाई के साथ, वीडियो कॉल करनी है। हाँ, पापा के साथ मेरे को वीडियो कॉल पे बात जरूरी करनी है, कॉज उस दिन वो बहुत नर्वस थे उस चीज को लेके कि ये क्या करेगा, इतनी महंगी बाइक ली है इसने। मैंने बोला जरूर करेगा कुछ ना कुछ। और चैनल में रीच में कितने सब्सक्राइबर्स हुए सबको बताओ? कितने हुए? कितने सब्सक्राइबर खुद पता नहीं? 1K भर रहे हैं, मतलब बंदे को उस स्पीड से सब्सक्राइबर भर रहे हैं कि खुद भी नहीं पता कितने सब्सक्राइबर। नहीं पहले से मैंने देखे थे, मतलब 1. कुछ आपको करना चाहिए आपके। नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि आप करो। ये हो सकता है ऐसा? नहीं ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं ना होता है। अच्छा ठीक है, मैं एक हाथ रखता हूँ आपके साथ, तो दोनों कट करते हैं। दैट विल बी ग्रेट। फाइनली 1K कंप्लीट है यहाँ पे। थोड़ा कैमरा पास में लगा के ना, कितना अच्छा लगेगा। ओके ये चेक करो, 1K का केक कट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले शेफिया थोड़ा थोड़ा। आया भी नहीं? ओके मैं चाहता हूँ दानिश भाई ऐसे ही मेहनत आगे भी करते रहे, व्लॉग्स में फोकस्ड रहे। अभी हमारे साथ टीम में एक और मेंबर जुड़ा हुआ है, देख रहे हो? दानिश भाई को हमें खिलाने वाले केक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक हो? बस ठीक ठाक, आप ठीक हो? बताओ कैसा फील हो रहा है, कितने सब्सक्राइबर्स हुए? पहले मैं दिखाऊंगा, बहुत 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 आपकी आंटी आपको ही ज्यादा मिस कर रही थी, आपको ही ज्यादा याद कर रही थी, बोलते सब मेहरबानी पहले ऊपर वाले की फिर उनकी है। थैंक यू सो मच अंकल। मैंने चाहा कि मैं ना आपके साथ वीडियो कॉल पे बात करूं इस टाइम, फिर आपको मैं सरप्राइज दूंगा दोनों को। कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, बस अंकल आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कोई जरूरत होगी मुझे बोलना, याद करना। ओके ओके थैंक यू। गरीब हूँ मैं लेकिन दिल का बहुत बड़ा। अरे अरे बात नहीं बोलो, ठीक है ठीक है अंकल ओके। देखा पापा के तेरे इमोशन कैसे हैं कि मतलब जो मैंने वीडियो में देखा था ना, हाँ। उससे हजार गुना काफी अच्छे लगे मेरे को। सच में मेरी एक गंदी आदत है, मैं तारीफ जल्दी किसी की नहीं करता, लेकिन बोला था इनको, लेकिन जेन्युइन बोल रहा हूं भाई, वीडियो से कहीं ज्यादा अच्छा है बंदा। ठीक है, सच में मैंने भी बोला था, मैंने भी बोला स्टार्टिंग में। थैंक यू भाई। सर हमें क्रेजी सी चीज दिखाने वाले हैं। खुलजा सिमसिम बोलूं मैं? खुल गया वो, पहले ही खुल गया। नहीं नहीं अभी, फिर आप बंद कर दो उसको, उसको बंद कर दो फिर। डन, चलो खुल जा सिमसिम। वाओ देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। तो सर ने अभी हमारी Z900 को राइड किया, तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग Z900? टू गुड ब्रो, टू गुड। एक्चुअली में थ्रिलिंग। सर के पास कौन सी है? BMW X1। ओके, तो गाड़ी वालों को जब बाइक को राइड करते तो कैसा फील होता है? मतलब वो एक बहुत रश रश। अभी हमने कहा ना कि सर बोल रहे थे कि मैं ऐसे लग रहा था सोया हुआ हूँ, जब मैंने बाइक को थ्रॉटल दिया। मैं गाड़ी में सोया हुआ था, निकल के मैंने देखा और ही चला के, मेरे को मैं भी चलाएगा। हाँ तो I gave it a go and it is thrilling bro. ऐसे आंखें खुल गई। बाइकर्स हर टाइम ही ऐसे थ्रिल में होते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सर। और नेक्स्ट टाइम वो डुकाटी मॉन्स्टर जो 700 आपने बोला, 800 ओके 800, तो उसके साथ हम ड्रैग करने वाले हैं। डन डन। अबे मैं ऐसे राइडर नहीं हूँ ड्रैग करने वाले, आई एम लूप। मेरी पहली बाइक है लाइफ की वो जो होने वाली है। अरे कोई बात नहीं, हम मैं तेरे साथ ड्रैग तो नहीं, हम आपको जिता देंगे ना, हम आपको आगे कर देंगे, हम पीछे रहेंगे खुद से। ठीक है भाई, बोल दिया। और ये चेक करो मेरे साथ कौन है अभी। तो हम दोनों हैं यहाँ पे बस कॉज मैंने सोचा कि आप आए हैं यहाँ तो कुछ खा पी के ही जाएंगे। बोलेंगे कि सिर्फ फ्रेंड्स वगैरह कोई ला रहा है बीच में, तो अच्छा नहीं लगता वो सारी चीज़ें। कॉफ़ी डेट, इसीलिए वैसे कोई डेट नहीं है, नॉर्मल हम कॉफ़ी पी रहे हैं फ्रेंड्स दो। ओके तो बाकी हमने यहाँ पे पास्ता भी मंगाया है, साथ में 2 स्पून है इसमें।